नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक के मुख्य समाचार। चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किया। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में अंडमान निकोबार में ब्रॉडबैंड लाइन को जोड़ने का फैसला लिया गया था। 30 दिसंबर 2018 में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की आधारशिला रखी गई थी और आज इसकी सफलता से वहां के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगा। परियोजना के तहत समुद्र के अंदर करीब 2300 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को बीएसएनएल ने अंजाम दिया है। दोनों छोरों में केबल बिछाने का काम 2018 में शुरू हो गया था और अंडमान निकोबार के 8 द्वीप समूहों को जोड़ने के लिए विशेष केबल लैंडिंग स्टेशन बनाए गए थे और इस परियोजना की कुल लागत 1224 करोड़ रुपए की है। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैन्य गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत का दबदबा भी बढ़ा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि इतनी रुकावटों को किनारे करके इस कार्य को पूरा किया गया है। देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण इस स्थान को और वहां के परिश्रमी नागरिकों के लिए टेलीकॉम की व्यवस्था कराना बहुत जरूरी था और अगर टीम के नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही पुराना सपना साकार हुआ है। ये थी हमारी आज की मुख्य खबर। हमारे ब्यूरो सदस्य देवव्रत बोस के साथ मैं हूँ रचना। देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।